अगर मैं लेटेस्ट टीआरए की रिपोर्ट देखूं तो जियो यहां पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करे फरवरी में 1.76 मिलियन, फिर एयरटेल ने गेन करे 1.59 मिलियन और गेन वाली जो चीज होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने 20,000 सब्सक्राइबर को लूज किया है, बीएसएनएल ने यहाँ पे लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया और ये लेटेस्ट टीआरए का डेटा कहता है। और इससे एक बात तो समझ में आ गई कि इंडिया के कंज्यूमर को ना क्वालिटी से ज्यादा मतलब है बजाय की प्राइसिंग से। लास्ट ईयर आप लोगों को याद है जुलाई 2024 में प्राइस हाइक हुआ था, जिसके बाद जियो और एयरटेल लगातार सब्सक्राइबर लूज करे और वहां पे बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जो मार्केट में सबसे सस्ते रेट में अपना इंटरनेट ले आई थी और वो यहाँ पे लगातार सब्सक्राइबर गेन कर रही थी और लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि वो बीएसएनएल का 4G वगैरह यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल की सिम कार्ड्स भी बहुत ज्यादा बिके। लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली में कोई चीज सस्ती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेटर क्वालिटी दे रही है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ आज भी दिक्कत ये है कि वहां पे कंसिस्टेंट नेटवर्क उतना अच्छा है नहीं। इनके कंपैरिजन में जियो और एयरटेल एक बेटर और स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और लोगों को आज के समय में बेटर और एक स्टेबल नेटवर्क की जरूरत है। इस वजह से जो लोग हैं वो बीएसएनएल छोड़ के एयरटेल और जियो के पीछे जा रहे हैं, भले ही वो महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर मोबाइल फोन में सस्ता रिचार्ज मैंने करा लिया लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो मैं उसे कैसे यूज करूंगा, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम देखा जाए जियो और एयरटेल में नहीं है। तो यार यहाँ पे जियो एयरटेल से थोड़ा सा बेटर और गेन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जियो और एयरटेल की अगर मैं बात करूं तो अब इनके बीच में जो वॉर पहले 4G की थी, 5G की आई, एयर फाइबर की आई और फाइबर ब्रॉडबैंड की आई, लेकिन अब इस कहानी में एक और नई वॉर जुड़ने वाली है जो इस साल हम देखेंगे और वो होगी स्पेस और सैटेलाइट इंटरनेट की। आप लोगों को मालूम है कि जियो का जियो स्पेस फाइबर था जो उन्होंने अनाउंस किया था और एयरटेल ने भी वन वेब वाली पार्टनरशिप अनाउंस करी थी जहां पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है और इंडिया में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी नजर बना के बैठी थी कि कैसे वो इंडिया में अपनी एंट्री ले। लेकिन 2025 में कहानी कैसी बदली कि स्टारलिंक ने जियो के साथ भी पार्टनरशिप कर ली, एयरटेल के साथ भी कर ली और बोला कि हम दोनों के साथ ही इंडिया में आएंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी तो स्टारलिंक अपनी लेकर आएगा लेकिन उसका फ्रंट एंड उसे बेचेगा मेंटेन कौन करेगा, जियो और एयरटेल। जियो अलग तरीके से बेचेगा, एयरटेल अलग तरीके से बेचेगा। हालांकि अभी भी स्टारलिंक को गवर्नमेंट अप्रूवल्स नहीं मिले और जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाते जियो एयरटेल चाहकर भी इसको रोल आउट नहीं कर सकते। हालांकि जियो और एयरटेल जब इसमें इन्वॉल्व हो गए तो मेरे को लगता नहीं है कि ये अप्रूवल्स में ज्यादा टाइम लगेगा, अप्रूवल्स भी जल्दी मिलेंगे और स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। हालांकि जिन लोगों को पता नहीं तो सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। जैसे आप घर के ऊपर एक डिश एंटीना लगाएंगे और एक केबल आपके घर के अंदर आएगी और उसका यूज करके आप हाई स्पीड इंटरनेट को यूज करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी फाइबर ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं, घर तक कोई भी केबल लाने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि नजदीक में मोबाइल टावर लाने की भी जरूरत नहीं है जो आपका एयर फाइबर के लिए मैंडेटरी है। एक ऐसी जगह जहां पर फाइबर केबल नहीं है, मोबाइल टावर नहीं, सिग्नल आते ही नहीं है, वहां पर अगर इंटरनेट पहुंचाना है तो स्टारलिंक का इंटरनेट बहुत सॉलिड चॉइस हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूं, स्टारलिंक वाली चीज बहुत ही ज्यादा नीश रहेगी और ये मेन स्ट्रीम नहीं रहने वाली और आप ऐसा नहीं समझ सकते कि घर में जो ब्रॉडबैंड आता है ना उसको रिप्लेस कर दे। पहली चीज, जो फाइबर ब्रॉडबैंड यहां पर आता उसको कोई चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती, वो आज भी गोट लेवल है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो लेवल रहता है ना वो आपका जो नॉर्मल फाइबर है वो है। उसके बाद एयर फाइबर का नंबर आता है जो आपकी सेलुलर टावर जो रहता है वहां से कनेक्शन लेता है और वहां पे 5G वेव्स का यूज करता है, 5G नेटवर्क का, जिससे आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बाद अगर मैं जाऊं, यहां पे जो स्टारलिंक रहेगा ये सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा, यहां पे स्पीड्स भी थोड़ी फ्लक्चुएट करेंगी, आप ज्यादा हाई स्पीड भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर कॉस्ट भी जो इक्विपमेंट रहते उसकी भी ज्यादा रहेगी, प्लस यहां पे जो प्लान्स रहते वो भी एक्सपेंसिव रहेंगे, ये चीज सस्ती नहीं होगी। इसका यूज B2B बिजनेसेस यूज करेंगे, जिस किसी को बैकअप इंटरनेट चाहिए या फिर वो लोग यूज करेंगे कोई रिमोट एरिया में, अगर हमें इंटरनेट चलाना है, किसी को कोई रिमोट एरिया के अंदर विलेजेस है जहां पे मोबाइल का नेटवर्क अच्छा नहीं आता वहां पे चाहिए, या फिर ऐसे रीजन है जहां पे मोबाइल फोन का टावर अभी पहुंच नहीं पाए वहां। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा रखी थी कि इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब इसको अप्रूवल और देखेंगे किसे किस तरीके से रोल आउट कर सकते हैं। हालांकि एक बड़ी चीज होगी लेकिन ये कोई बड़ा रिवोल्यूशन मार्केट के अंदर तो क्रिएट नहीं करने वाली है और ना ही आप समझ सकते हैं कि हर घर के ऊपर एक सैटेलाइट इंटरनेट लगा हुआ है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो रहता है ये इंडिया के अंदर किस तरीके से आता है और जब मोबाइल फोन के अंदर भी सैटेलाइट की कनेक्टिविटी जब आने लगेगी तब इसका यूज यहां पे कैसा रहेगा, क्योंकि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी काफी अलग रहने वाली है, स्टारलिंक जो अभी हम देख रहे हैं वो अलग रहने वाला है, लेकिन हाँ मोबाइल फोन में भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी हमने एप्पल के आईफोन के साथ देखी है, तो वो चीज का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा वो एक देखने वाली बात है। इसके साथ ही इंडिया में एक D2M टेक्नोलॉजी भी चल रही है, डायरेक्ट टू मोबाइल, जो HMD और
लावा ने मिलकर यहाँ पे निकाली है, जिसका मतलब ये है कि एक फीचर फोन है और उसके अंदर अगर आपको लाइव वीडियो देखना है, ओटीटी स्ट्रीमिंग करनी है, कुछ कंटेंट कंज्यूम करना है, गाने सुनने हैं, वो सब आप बिना वाईफाई बिना इंटरनेट के कर पाओगे डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे यूज करके। ये भी एक रिवोल्यूशनरी चीज है जो अफोर्डेबल सेगमेंट में लोगों को कंटेंट अगर कंज्यूम करना है तो वहां पे काफी हेल्प कर सकती है। और उसका जो लावा ने जो प्रोडक्ट होता है वो भी यहाँ पे शोकेस किया है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। हालांकि अगर मैं वापस आऊँ जियो और एयरटेल को लेकर और वोडाफोन आइडिया को भी इंटीग्रेट करूँ, तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वोडाफोन आइडिया का 5G कब आएगा। देखो आईपीएल का सीजन चालू और आईपीएल के सीजन में वोडाफोन आइडिया ने जो भी मेजर स्टेडियम्स होते हैं वहां पे 5G कनेक्टिविटी अपनी रोल आउट कर दी है और 17 सर्कल के अंदर वो ऑलरेडी अपना 5G लेकर आ चुके हैं। और कहा गया कि कुछ ही दिनों के अंदर ये लोग 75 सिटीज को कवर करेंगे वोडाफोन आइडिया अपने 5G से। ये 5G नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्लान रहेंगे वो 10-15% सस्ते होंगे एज कम्पेयर टू जियो एंड एयरटेल। लगभग 300 रुपए से इनकी शुरुआत हो चुकी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया प्राइसिंग का गेम खेल रहा है और ये देखेगा कि लोगों को सस्ते में अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन अभी भी थोड़ी खराब है, लेकिन 5G के आने से कुछ बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के साथ एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि तीनों एक कंपनीज और मार्केट में जितने भी इंडस्ट्री एनालिस्ट हैं सबका यही कहना है, पिछले साल हमने एक प्राइस हाइक देखा था मोबाइल फोन के रिचार्जेस में, लेकिन वैसा हाइक 2025 के एंड 26 तक आपको फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो रेट है ना कंपनी के लिए इतने ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि ये बात माननी पड़ी कि जियो अभी भी प्रॉफिटेबल है, एयरटेल भी प्रॉफिट में खेल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनीज और ज्यादा पैसा बनाना चाहती है। अब देखने वाली बात है कि जो पैसा बना रही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में तो इन्वेस्ट करेंगी और कहां कहां यहां पे काम करेंगी। इसके साथ ही बात है कि 2026 में जो प्राइस हाइक आएगा वहां पे एक स्टेबल हाइक होगा और उसके बाद आप कई सालों तक कोई प्राइस हाइक ना देखें और वो मोस्टली मोनेटाइज करेगा आपके 5G को, क्योंकि कंपनीज का प्लान इधर ये कि 30-40% जो यूजर्स है ना उनको 5G के ऊपर शिफ्ट किया जाए और उनसे धीरे धीरे 5G के चार्जेस यहां पे लिए जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्होंने 5G को फ्री में चला दिया है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया में तकरीबन जियो के सबसे ज्यादा 5G यूजर्स है 191 मिलियन, एयरटेल के पास 105 मिलियन के करीबन 5G यूजर्स आते हैं और ये लोग 5G यूजर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, एयरटेल और जियो आगे की 5G टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जियो का एग्जांपल लेता हूँ, जियो ऑलरेडी 5.5G को लेकर आ चुका है, 1+30 में फीचर आता है 5G एडवांस कहते हैं, जिसके अंदर बैटरी कम खाएगा, अच्छा नेटवर्क देगा और स्पीड्स भी 10x हो जाएंगी, यानी कि अभी 5G में 1 Gbps की पीक स्पीड ऑफर करते हैं जियो, ये लोग 10 Gbps तक की स्पीड ले जाएंगे 5.5G या 5G एडवांस जैसे कहते हैं। एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में है, लेकिन वो स्टैंड अलोन नेटवर्क में कूदने की प्लानिंग कर रहा है और एयर फाइबर में भी एक बड़ा कमबैक लेने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही एयरटेल ने रिसेंटली अडानी के पास जो स्पेक्ट्रम था उसे भी अपने अंडर ले लिया, क्योंकि अडानी शायद अब इंटरेस्टेड नहीं है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में, इसलिए एयरटेल अडानी से जो स्पेक्ट्रम होता है वो खरीद रहा है। इसी के साथ ही जियो के बारे में बात करें तो जियो आपका मिलीमीटर वेव का जो 5G रहता है उसे भी यहाँ पे रोल आउट कर दिया है, जो कि इंडिया में कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो मिलीमीटर वेव 5G को सपोर्ट करे, लेकिन ये बिजनेस टू बिजनेस और एंटरप्राइज यूज के लिए बनाया गया, क्योंकि जियो के पास मिलीमीटर वेव 5G का लाइसेंस था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसे रोल आउट किया और ये मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन रहती है जिसके कारण जियो ने इस चीज को यहाँ पे रोल आउट किया है। तो हालांकि ऑफिशियली रूप से मिलीमीटर वेव का 5G इंडिया में आ गया है, लेकिन आप इसको अभी भी यूज नहीं कर सकते। इसके साथ ही जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के साथ बात है कि इन कंपनीज ने जो भी 5G का इक्विपमेंट यूज करें कोई भी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करी है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो यहाँ पे हुई है। इसके साथ ही BSNL के बारे में बात करें तो मैं तो यहाँ पे शुरू हो गया, जून तक कहा जा रहा है कि ये 1,00,000 5G टावर्स प्लांट कर देंगे और इस साल के अंत तक ये लोग भी अपना 5G ले आएंगे। तो 1,00,000 5G टावर्स इनके कब तक होते वो एक देखने वाली बात और इनका 5G रोल आउट कब होता है। हालांकि ऑलरेडी BSNL के 5G के ट्रायल्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और कुछ कुछ जगहों पे लोगों ने BSNL के 5G को यहाँ पे टेस्ट भी किया, तो ऑब्वियसली 2025 के एंड तक सभी कंपनी शायद 5G आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट की जंग और 6G की जंग आपको देखने को मिलेगी, और जब सभी कंपनी अपने 5G पर आ जाएंगी तो हो सकता है उसके बाद जो रिवीजन हो रिचार्ज प्लान्स में वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो यार ये कुछ चीजें चल रही है जियो वोडाफोन आइडिया एयरटेल और कुछ हद तक BSNL की। टेलीकॉम इंडस्ट्री है काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, काफी नई नई न्यूज आती रहती है और इस टाइप की न्यूज को हम यहाँ पे टाइम टू टाइम कवर करते रहते हैं, और ये भी एक ऐसा सेगमेंट था जहाँ पे मार्केट में आकर चल क्या रहा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।